दोस्तों कई बार आपने सुना होगा कुछ लोगों को, वो बोलते हैं कि कितना दिन चलेगा पर्लवाइन, पर्लवाइन एक महीने बंद हो रहा है, दो महीने बंद हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2020 में बंद हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बता देना चाहता हूं कि जो आप इस तरह की बातें सुनते होंगे कि पर्लवाइन कब बंद हो रहा है, तो दोस्तों ये वैसे लोग हैं जो पर्लवाइन के नाम पर फर्जी प्लान या फिर कॉपी प्लान में काम करना चाहते हैं या फिर आपको वहां पर ज्वाइन करवाना चाहते हैं। मैं इस वीडियो में बस यही बताना चाहता हूं कि कोई भी प्लान, चाहे वो पर्लवाइन हो, चाहे कोई भी वाइन हो, कोई भी प्लान क्यों बंद होगा? सबसे पहली बात है कि पर्लवाइन आपको यहां पर कोई कमिटमेंट नहीं करता है कि हम आपका पैसा डबल कर देंगे, मतलब कि इतने दिनों में हम आपका पैसा डबल, ट्रिपल, फाइव गुना, पांच गुना, दस गुना कर देंगे। कोई कमिटमेंट नहीं करता है आपसे। कंपनी में कोई ये नहीं कहता है कि आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। आप कंपनी में यहां पर ज्वाइन होते हैं और कंपनी जो आपसे पैसा लेता है, चाहे आप आईडी ज्वाइनिंग कर लीजिए, किसी भी लेवल में आईडी अपग्रेड कर पैसा दीजिए, कंपनी में जो भी आप पैसा देते हैं वो कंपनी सिर्फ नाम मात्र का मात्र 5% रखकर सारा पैसा टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो दोस्तों जब कोई कंपनी अपने पास कोई पैसा रखता ही नहीं है या फिर नाम मात्र का पैसा रखता है, 1-2% अगर रखता हो, तो वो कंपनी क्यों बंद होगी? कंपनियां तो वही बंद होती है जो आपको पहले मोटिवेट करके, तरह तरह के सब्जबाग दिखा के, तरह तरह के लालच दिखा के, सपने दिखा के वो मार्केट से पैसा उठाती है, चाहे वो रॉयल्टी के नाम पर उठाए, चाहे वो प्रोडक्ट के नाम पर उठाए, चाहे वो किसी भी नाम पर उठाए, वो मार्केट से अच्छा खासा पैसा उठाती है, इन्वेस्टमेंट करवाती है और सारा पैसा एक जगह कैलकुलेट हो जाता है, सारा पैसा एक जगह एक कंपनी के पास, एक ऑफिस के पास, एक सीएमडी के पास चला जाता है। तभी कंपनी के पास भागने का रास्ता खुल जाता है, क्योंकि कंपनी भी जानती है और जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो भी जानते हैं कि पैसा से पैसा डबल नहीं होता है। जहां डबल की बात हो गई तो वही बात हो गई इसकी टोपी उसके सर। और जब कंपनी कुछ लोगों को डबल कर भी दे, लेकिन जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जब टीडीएस फाइल करने की बारी आती है, जब लीगल तरीके से आती है, सभी लोगों को पैसा देने की बारी आती है, तो कंपनी के पास भागने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। दूसरी तरफ बात करता हूं पर्लवाइन की, तो पर्लवाइन ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। इसका एक अपना यूनिट है, अपना डिविडेंट है, अपना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और ये कोई चिल्लर कंपनी नहीं है। ये यूनिवर्सल कहा जाए, पूरे वर्ल्ड लेवल पर कहा जाए, 139 कंट्री में चल रही है, ट्रस्टेड कंपनी है, जिस पर लोगों का ऊपर बिलीव भी हो चुका है और ये आज कल नहीं 2015 से चल रही है, तब से लोग बोल रहे हैं कि आज बंद होगी कल बंद होगी। तो दोस्तों जो लोग इस तरह नेगेटिव सोच के साथ रहते हैं, किसी भी कंपनी में नेगेटिव सोच रखते हैं, वो किसी भी कंपनी में सक्सेस नहीं कर सकते हैं। मान भी लिया चलो कंपनी बंद हो जाएगी, तो कंपनी को आपने क्या दिया? 2250 से आपकी ज्वाइनिंग हुई, दो बंदों को आपने लगाया, आपको 2400 रुपए की इनकम हो गई, चार बंदों को लगाया फिर 2400 की इनकम हो गई, लगभग 5000 की आपकी इनकम हो गई। आपको कंपनी ने दिया था सिर्फ 2250 रुपए, या फिर अगर किसी ने ज्वाइनिंग लगाया मात्र 2000 से भी ज्वाइनिंग आपकी हो गई, सपोज कीजिए कि 2000 से आपकी ज्वाइनिंग हुई, आपने 5000 कमा लिया, उसके बाद कंपनी चली गई, तो आपका लेकर क्या गई? लेकर तो उसका जाती है जो सिर्फ ऑटो पुल के ख्याल से बैठे रहते हैं कि ऑटो पुल मुझे मिल जाएगा, आईडी लगाकर छोड़ देते हैं और सो जाते हैं। हो सकता है कंपनी उसका पैसा पूरा रिटर्न ना कर पाए, लेकिन जो बंदा सिस्टम से काम करेगा उसका पूरा पैसा रिटर्न होगा। कंपनी जो आपको बता रही कि ऑटो पुल में हमको 32 लाख देंगे, 100% देगी, लेकिन अगर आप सिस्टम से काम करते हैं, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कंपनी के ऊपर बिलीव करते हैं, कंपनी जो आपको एक सिस्टम देता है उसी सिस्टम से काम करते हैं, मिनिमम भी काम कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा ज्वाइन करते हैं, मिनिमम भी काम कीजिए, कंपनी का क्राइटेरिया है कम से कम 4 डायरेक्ट। अगर ज्यादा करते हैं बहुत अच्छी बात है, कम करते हैं कम से कम 4 कीजिए। तो आप सभी कंपनी के इस प्लेटफॉर्म के तहत लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, और अगर कमा भी नहीं सकते हैं तो आप एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म में अपनी आईडी लगा देते हैं, तो इन फ्यूचर में जब कंपनी का ग्रोथ होगा, कंपनी का जब टर्नओवर रहेगा, तो जो आपको वादा किया गया है 32 लाख का, वो आपके मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। लेकिन कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि नहीं, सिर्फ मुझे 32 लाख ही देखना है, सिर्फ 32 लाख फोकस करते हैं, और वो भी ऑटो के लिए बिना काम किए हुए। तो भाई साहब ऐसा नहीं होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जो ऑनलाइन मार्केट में काम कर रहे हैं उसको भी पता है कि कोई ऐसा जादू की छड़ी या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप यहाँ पर ज्वाइन हो गए, आईडी लगा दी
और आपको यहाँ पर 6 महीना साल भर 2-3 साल 4 साल बाद आपको पैसा 32 लाख मिल जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कंपनी का टर्न ओवर बढ़ता है, कंपनी में काम होता है, कंपनी में आईडी जनरेट होता है, कंपनी ग्रो करती है, तभी आपको मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। और कंपनी ग्रो तभी होता है जब 60-70% लोग काम करने वाले होते हैं। भारत की जनसंख्या अभी अगर इंडिया की बात किया जाए तो 125 करोड़ हो, 125 करोड़ लोग सिर्फ आईडी लगाकर छोड़ देंगे और सभी ये सोच के बैठ जाएंगे कि जब मेरा 32 लाख आएगा ऑटो पुल में तब हम आईडी को करेंगे। तो आप खुद कैलकुलेशन कर देख लीजिए कि वो 32 लाख तक कब आएगा, ये कैसे आएगा। तो उम्मीद दोस्तों मैं जो बताने चाह रहा था समझ गए होंगे, और वैसे लोग भी समझ जाएं जो हमेशा कहते रहते हैं कि कंपनी कब बंद होगा, कितने दिन चलेगी, ये कोई नहीं जानता। इंसान कितना दिन जिंदा रहेगा ये कोई नहीं जानता, तो फिर पर्लवाइन क्या चीज है। लेकिन क्या इन सारी चीजों के हम काम करना छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, काम अर्निंग करना छोड़ देते हैं? नहीं करते हैं। तो दोस्तों सिस्टम है, सिस्टम को रहने दें, सिस्टमेटिक तरीके से काम करने दें। नेगेटिव चीजों को सोचने से कोई कुछ नहीं होने वाला, ना कंपनी कुछ होने वाला है, ना आपका कुछ होने वाला है। तो बस सिस्टम से काम कीजिए, आप भी कमाएंगे, कंपनी भी अच्छे से रन करेगी और सारा चीज ओके चलेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स।